गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जो कि क्या है, मैट्रिसेस का सेट है और हमारे को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन दी हुई है। तो हमें बताना है कि ये जो सेट होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। हमारे पास में सेट क्या है, मैट्रिसेस का सेट है और इस मैट्रिक यहाँ पर मैट्रिसेस किस टाइप की है, ए एल्फा इज इक्वल्स टू कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, जहाँ पर एल्फा क्या है, हमारे पास में रियल नंबर है। अब हमें बताना है कि ये जो सेट है हमारे पास में मैट्रिसेस का, वो इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट में से कोई से भी दो मैट्रिसेस ले लीजिए, लेट ए अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा एंड ए बीटा इक्वल्स टू कोस बीटा माइनस के साइन बीटा एंड कोस बीटा। हमने क्या किया, सेट में से कोई से भी दो मैट्रिसेस ले लिए। अब हमें बताना है कि ये इस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगी, क्लोजर होगी। तो हमें ए अल्फा एंड ए बीटा, ए अल्फा ए बीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा एंड ए बीटा इक्वल्स टू कोस बीटा माइनस के साइन बीटा एंड कोस बीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा एंड कोस अल्फा। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन बीटा प्लस कोस अल्फा एंड कोस बीटा। ये हमारे पास में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन यहाँ पे फर्स्ट रो को अगर हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा एंड फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा और माइनस के साइन अल्फा कोस बीटा। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर साइन माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। अब हमें कुछ इनइक्वेलिटीज़ मालूम है कि क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा के। और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा के। और यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा के। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में ऐसे मैट्रिसेस का सेट है
जहाँ पर ए अल्फा किसके इक्वल है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, जहाँ अल्फा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को। अब हमने क्या लिया क्लोजर के लिए, ए अल्फा और ए बीटा हमने क्या लिया, इस सेट से हमने दो मैट्रिसेस ले ली। अब हमें मल्टीप्लिकेशन देखा हमने ए अल्फा और ए बीटा का, तो हमें ये मैट्रिक्स मिली। इस मैट्रिक्स में भी हम देख रहे हैं किस फॉर्म में है, कोस है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे माइनस साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पर कोस है। बस यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो अल्फा है वो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को। बिकॉज रीज़न ये है कि जब हमने ए अल्फा और ए बीटा को हमने इस सेट में से लिया, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो अगर दो नंबर्स रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को। इम्प्लाइज दैट ए अल्फा ए बीटा किसके इक्वल हो गया, ए अल्फा प्लस बीटा के। अगर यहाँ से हम नोटेशन रूप में यूज़ ले ए अल्फा ए बीटा, जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, ए अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसको बिलोंग करता है, सेट जी को ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो सेट गिवन है उस सेट में से हम क्या करेंगे, तीन मैट्रिसेस ले लेंगे। तो लेट ए अल्फा ए बीटा एंड ए गामा किसको बिलोंग करता है, सेट जी को, जहाँ पर अल्फा बीटा और गामा क्या है, रियल नंबर्स होंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, वैसे तो मैट्रिक्स का हम मल्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर जब हमने लास्ट में एक रिजल्ट निकाल लिया कि ए अल्फा और ए बीटा करने पर हमें क्या मिलता है, ए अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसको यूज़ करते हुए आगे सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। तो देन ए अल्फा मल्टीप्लीकेशन है, देन ए बीटा एंड ए गामा इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए गामा, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन ये हो जाएगा ए अल्फा एंड ए बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए अल्फा एंड ए बीटा ए गामा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेट में से तीन मैट्रिसेस लेके चले, अल्फा बीटा और गामा, देन ए अल्फा ए बीटा से स्टार्ट किया, देन हमें लास्ट में क्या मिला, ए अल्फा ए बीटा और ए गामा। यहाँ पर अगर हम कुछ साइन नहीं लगा रहे हैं बीच में, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए कि ए बीटा जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ए बीटा बिलोंग्स टू जी सच दैट ए अल्फा एंड ए बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए अल्फा के। हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए। यहाँ पर एलिमेंट किस फॉर्म के अंदर है, मैट्रिसेस के फॉर्म में है, तो हमने क्या लिया, फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी की प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए हमारे को जी में से ही एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी कि ए अल्फा को ए बीटा से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, ए अल्फा। देन बाय द डेफिनेशन ए अल्फा प्लस के बीटा किसके इक्वल हो गया, ए अल्फा के इक्वल हो गया। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस के बीटा किसके इक्वल हो गया, अल्फा के, देन बीटा किसके इक्वल हो गया, जीरो के। इम्प्लाइज दैट
यहाँ पर जो ए ज़ीरो मैट्रिक्स है जो कि सेट जी के अंदर ही होगी, बिकॉज ज़ीरो क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर ए ज़ीरो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ए ज़ीरो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम अल्फा की जगह क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो, देन कॉस ज़ीरो, माइनस के साइन ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो। कोस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो एंड कोस ज़ीरो वन, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारे पास में इस सेट के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वही फॉर ऑल। पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो हम मोस्ट ऑफ डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ही निकालेंगे। अगर आपको चेक करना है कि हमने जो निकाली है मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अथवा नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप क्या करें, कोई से भी मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ से सेट जी से। अगर आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमें वापस क्या मिलेगी, यही मैट्रिक्स मिलेगी। इन दैट कंडीशन ये जो मैट्रिक्स है हमारी, यहाँ पर क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ही चलेंगे कि हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर गामा कंसिडर कर लीजिए कि ए गामा जो है हमारे पास में, जो जी की प्रत्येक मैट्रिक्स होगी उन मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। देन ए गामा बिलोंग्स टू जी सच दैट ए अल्फा एंड ए गामा इक्वल्स टू ए ज़ीरो, अर्थात जी की प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी कि उन दोनों के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इम्प्लाइज डेट ए अल्फा प्लस के गामा इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो, इम्प्लाइज डेट अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इम्प्लाइज डेट गामा इक्वल्स टू माइनस के अल्फा, अर्थात हमारे पास में जो ए गामा किसके इक्वल हो गया, ए माइनस के अल्फा के, जो कि सेट जी को ही बिलोंग करता है। क्योंकि अगर अल्फा आर को बिलोंग करता है तो माइनस अल्फा भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो ए माइनस अल्फा, अर्थात प्रत्येक ए अल्फा मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में ए माइनस अल्फा क्या होगी, उस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर ए माइनस के अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस माइनस अल्फा, माइनस के साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा एंड कोस माइनस अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स की, देने किसके इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा। एंड साइन माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, देने ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा कोस अल्फा। अर्थात प्रत्येक ए अल्फा इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए हमें इस टाइप की इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम चेक करना भी चाहें कि अगर हमें ए अल्फा को ए माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ए ज़ीरो मिलता है अथवा नहीं मिलता है, ये हम लोग चेक करेंगे। अब सो ए अल्फा एंड ए माइनस अल्फा, वैसे तो दिख रहा है कि ए अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू ए नोड होगा, बट हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी देख सकते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा और कोस अल्फा एंड ए माइनस अल्फा, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। देन यहाँ से हम देखते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, वन के, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन, कोस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ज़ीरो
एंड साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1, जो कि क्या है हमारे पास में आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स है। इट मीन्स हमारे पास में प्रत्येक ए एल्फा के लिए हमें ए माइनस एल्फा क्या मिलेगी, इन्वर्स मैट्रिक्स मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अबेलियन ग्रुप है अथवा नहीं है। ग्रुप तो हो गया क्योंकि चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि अबेलियन होगा अथवा नहीं होगा। और अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, इन दैट कंडीशन ये क्या हो जाता है, नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी चेक करेंगे, लेट ए अल्फा एंड ए बीटा किसको बिलोंग करता है, सेट जी को बिलोंग करता है, जहाँ पर अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को। देन ए अल्फा एंड ए बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा के, और हम इसको लिख सकते हैं ए बीटा प्लस के गामा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। देन इक्वल्स टू ए बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, देन बीटा प्लस अल्फा एंड ए बीटा ए अल्फा हो गया। अर्थात ए अल्फा ए बीटा किसके इक्वल हो गया, ए बीटा ए अल्फा के इक्वल हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, तो ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो हमारे को क्या गिवन था, हमारे पास में एक सेट जी ऐसा है जिसके अंदर ए अल्फा ए अल्फा इस टाइप के मैट्रिसेस का सेट है, जहाँ पर अल्फा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। हमें ये बताना है कि ये जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमने क्लोजर चेक किया, देन नेक्स्ट एसोसिएटिविटी भी चेक कर ली, एंड थर्ड पे जब हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकाला बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की हेल्प से, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स मिली, जो कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर इन मैट्रिक्स की आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि इस सेट के अंदर ही बिलोंग करती है। फोर्थ हमने देखा था यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, अर्थात प्रत्येक ए अल्फा के लिए ए माइनस अल्फा क्या होगी, यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। देन फिफ्थ हमने चेक कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं।